ऑफ इंडिया। अभी हमने इससे पहले जजेस के बारे में पढ़ा था, सबने टेबल देखी होगी ना, टेबल कैसी होती है, टेबल का शेप कैसा होता है सबको पता होगा। टेबल जो होती है वो ऊपर से फ्लैट होती है और चारों तरफ से वो स्क्वायर में होती है। और जो प्लेटिव होते हैं, आपने उसी मुझे बताया था कि माउंटेन का शेप ट्रायंगुलर होता है, ओके, बट जो इसके साइड होते हैं ना वो स्ट्रेट होते हैं एकदम। बट जो हमारा क्रिएटिव रीजन होता है, लुक लाइक अ टेबल होता है, टेबल फ्लैट होती है ऊपर से, बट उसमें तो टेबल में स्टैंड होते हैं, बट जो हमारा क्रिएटिव रीजन होता है उसकी साइड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। मतलब कि जो हमारा ये रीजन है, मैं आपको बता रही हूँ, आपके मैप पर आप देख सकते हैं, ये रीजन जो है, देखिए ये ऊपर से फ्लैट है और इसके जो साइड है, ये जो साइड बने हुए हैं, ये साइड स्टीप है, ओके। तो आज हम पढ़े प्लेटिव रीजन, जिसको हिंदी में आप कभी पढ़ोगे पठार के नाम से जानते हैं, पहाड़ होते हैं और एक पठार होते हैं। डायरेक्शन जाननी हो तो हमेशा प्लस बनाते हैं, प्लस में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, सॉरी हाँ, और इधर वेस्ट होता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ साउथ में जो है आपके प्लेट्यूज होते हैं। द प्लेट्यू रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्लेट्यू रीजन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल, ये सेंट्रल आइलैंड्स, और नॉर्थ में जो है, यानी कि प्लेट्यू रीजन का नॉर्थ ऊपर का भाग हुआ, तो इसमें सेंट्रल आइलैंड है, इसमें आपका मालवा प्लेट्यू आता है और छोटा नागपुर का पठार आता है, छोटा नागपुर का प्लेट आता है। उसके बाद आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू, जो थोड़ा सा लाइन नीचे होगी, यहाँ से होगा, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू होगा। डेक्कन प्लेट्यू इसके दक्षिण में पाया जाता है। The vast plateau region is roughly triangular in shape. आप यहाँ पर शेप देख रहे हो, मैंने आपको बना के दिखाया कि ये शेप में ट्रायंगुलर है। The state in which lies in this region are मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, झारखंड यहाँ पर है, उड़ीसा ये यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, फिर आता है तेलंगाना ये, एंड कर्नाटका ये, फिर आपका तमिलनाडु। ये इतने रीजन जो मैंने डॉट से दिखाए हैं आपको, ये इसमें पाए जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने दिखाए हैं आपको लाइट कलर से, ये 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 और ये। फिर है इतने स्टेट जिसके अंदर आते हैं, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू इस रीजन। ये सारी नदियों के जो नाम दिए गए हैं वो इस रीजन से बहती हैं, यानी इस प्रदेश से होकर बहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदियों के नाम भी लिखे हुए हैं सारी। द रिवर्स इन दिस रीजन डिपेंड ऑन द रेन वाटर, यहाँ पर पाई जाने वाली जो नदियां हैं वो बारिश के पानी पर डिपेंड करती हैं। So they are mostly dry during summer season. ये अधिकतर गर्मियों के सीजन में सूख जाती हैं। The climate of the plateau region is hot. यहाँ पर जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। And gets little rain. और गर्म इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। Minerals like iron ore, यहाँ पर कच्चा लोहा, ore माने होता है कच्चा लोहा, ore माने कच्चा होता है, okay? कच्चा लोहा, मीगा, इसको इंग्लिश में मीगा, हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम होता है जिसके हम बक्से बनते हैं, बिजली के तार भी बनते हैं, वो जो एल्यूमिनियम होता है वो उसका कच्चा वो
मिनरल्स में कई सारे एल्युमिनियम में मिनरल्स डालते हैं तब वो बॉक्साइट बन जाता है, एल्युमिनियम वो होता है, ये बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है, ये कह सकते हैं। कोल, कोयला और गोल्ड यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं नीचे, प्लीज अपनी स्क्रीन पर देखें। पूछा जा रहा है नेम द थ्री मेजर क्रिएटिव्स इन इंडिया, थ्री मेजर क्रिएटिव्स के नाम बताइए।
यहाँ के अधिकतर लोग किसान होते हैं में, एज दिस रीजन इज नॉट गेट्स इज हॉट, ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, यहाँ पर कम बारिश होती है, इसे यहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती है। द डेक्कन प्लेटू हैज अ ब्लैक एंड रेड सॉइल, डेक्कन प्लेटू में ब्लैक और रेड सॉइल पाई जाती है, यानी यहाँ पे लाल और काली मिट्टी होती है, जबकि जनरल आईलैंड में सिर्फ काली मिट्टी पाई जाती है। पीपल ग्रो शुगर केन, कॉटन, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस, यहाँ के लोग गन्ना, कॉटन, वीट, मिलेट, मोटे अनाज और दालें उगाते हैं, दालों की खेती करते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के दक्षिण में यहाँ के लोग रबड़ और मसालों की खेती करते हैं, जिनमें इलायची और काली मिर्च मुख्य है। द डेक्कन प्लेटू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल लाइक आयरन और कॉपर और कोल, गोल्ड एंड रुबिका, डेक्कन प्लेटू में भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें कच्चा लोहा, कच्चा तांबा, कोयला, सोना और मीका, यहाँ के अधिकतर लोग खानों में काम करते हैं। थैच्ड हाउस आर कॉमन इन बोथ द प्लेटू रीजन, थैच्ड हाउस जो घास फूस के बनते हैं, स्ट्रॉ से बनाए जाते थे, हमने पहले भी पढ़ा था हाउस चैप्टर में, वो यहाँ के लोग ज्यादा कॉमन है लोगों में, दोनों रीजन में थैच्ड हाउस कॉमन है। फिर आपसे पूछा जा रहा है वो कौन कैसे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉटन होता है, गर्मी होती है तो गर्मियों में हम हमेशा कॉटन कपड़े पहनते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कॉटन क्लॉथ्स। फूड भी ही ईट्स, ये मैंने किया है, मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे अधिकतर फिश खाई जाती है, तो फिश, वेजिटेबल्स, डेक्कन जो प्लेटू रीजन है वहाँ पर फिश बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वहाँ आप फिश लिख लीजिए, फिश यहाँ पर फिश लिख लीजिए, फ्रूट्स लिख लीजिए, वेजिटेबल्स लिख लीजिए और नट्स लिख लीजिए। इसके अलावा पूछा जा रहा है उसकी जो अजय की माँ है वो क्या उगाती थी, मिलेट, पल्सेस एंड वीट, इसके अलावा आप शुगर केन भी डाल सकते हो और राइस भी डाल सकते हो, जो जो आपको डालना है, फसलों के नाम दिए गए हैं आपको डाल सकते हो, मिलेट, कॉटन, पल्स, ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर आएंगी। उसके पिताजी कहाँ जॉब करते, वर्क इन माइन, माइन में जॉब करते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा अजय किस तरह के घर में रहता है, तो आप लिखेंगे थैच्ड हाउस में रहता था। यू आर इन फार्म विद कॉटन प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड, आप एक खेत में हो जिसमें चारों तरफ सिर्फ कॉटन ही कॉटन है। देयर आर लॉट ऑफ कोल माइंस, यहाँ पर बहुत सारे कोल माइंस हैं आपके खेत के पास, तो आप किस लैंड फार्म में हो। अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर कॉटन अच्छा होता है और यहाँ पर कोल की माइने भी हैं, तो इसलिए ये सेंट्रल आइलैंड है। ओके, आई एम इन सेंट्रल आइलैंड। ओके क्लास।